जब कभी हम पहाड़ों में घूमने जाते हैं तो हमारे सफ़र में अगर हमें नदियाँ, झरने, पहाड़ और वहाँ के जंगली सब्जियाँ और फ्रूट्स देखने को मिलते हैं तो हमारा सफ़र यादगार और खुशनुमा हो जाता है। तो आज हम जाने वाले हैं उत्तराखंड के सबसे सुंदर गांव लौबांज, रमटिया, सिडगोरी, जहाँ पे आपको पहाड़, पर्वत और ढेर सारे झरने देखने को मिलेंगे। दोस्तों, ये है नाशपाती जो कि बहुत स्वादिष्ट डिलीशियस है और जो कि उत्तराखंड में यहाँ पे पहाड़ों में बहुत ज़्यादा फेमस है, मतलब हर जगह आपको मिल जाएंगे। और अब आने वाला एक बड़ा सा झरना, सी आवाज़ आती होगी आपको तो अब मैं आपको दिखा दूँ। बड़ा सा झरना, बहुत बड़ा झरना है, आवाज़ बहुत बड़ी ज़्यादा आ रही है, ज़ोरों से आवाज़ आ रही है झरने की। देखिए कितना सुंदर झरना है, ये सी दिखाती हूँ आपको, रुकिए, मतलब आराम से नहा सकते हैं आप गर्मी के टाइम। दोस्तों देखिए, हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं हूँ प्रतिभा और आप देख रहे हैं माउंटेन डायरी। दोस्तों आज हम जा रहे हैं गाँव में जो कि सिडगोरी से होके निकलता है। तो सुबह के 9 बज चुके हैं और अब मौसम देखिए कितना सुहाना प्यारा हो रखा है और धूप भी नहीं हो रही है, इसलिए आज हमें 7 या 10 किलोमीटर है यहाँ से लौबांज गांव। तो दोस्तों बने रहिए, बहुत मज़ा आने वाला है, पूरी वीडियो देखिए, बहुत मज़ा आएगा। तो यह है धान का सेरा जो कि अभी 2 महीने पहले रोपाई लगा के अब इतने बड़े बड़े हो चुके हैं पौधे इसके, और 4-5 महीने में धान की फसल रेडी हो जाएगी कटने को। और अब हम पहुंच रहे हैं दियोनाई गांव, ये दियोनाई गांव, इसके बाद हम सीधा एक मंदिर में पहुंचेंगे, उसके बाद सीधा सीधा फिर हम सिडगोरी गांव की तरफ जाएंगे। यह मक्के के खेत, मक्के के खेत, मक्के नहीं है तो ज्वार है, ज्वार इसके झाड़ू भी बनता है। प्रसिद्ध लक्ष्मी नारायण का मंदिर और सुंदर मंदिर है जो कि यहाँ से वहाँ तक उस कोने तक फैला हुआ है, तो आते वक्त आपको दिखाएं। से उस कोने तक ये मंदिर पूरा फैला हुआ है आगे को। अभी एक सुंदर सा गांव पर दिख रहा है और नीचे बहुत कीचड़ है तो इसलिए जूते भी पूरे गीले हो चुके हैं, अंदर जूतों के अंदर पूरा पानी घुस चुका है। और ये है टॉप और यहाँ से आप गांव देख सकते हैं सारे। ये है रिठाड़ गांव, जहाँ पे मेरा गांव है, जहाँ पे मेरे चुके हैं टॉप के ऊपर, धार के ऊपर। दोनों डॉग मेरे पीछे हमें फॉलो कर रहे हैं, बहुत ऊपर है, बहुत थकान हो रही है और बस भगवान से प्रेयर है कि जब बारिश जल्दी जल्दी हो जाए, बस बारिश हो जाए जल्दी से, ये बहुत गर्मी है। और नीचे आप देखिए सीधा खतरनाक रास्ता, क्योंकि दोस्तों ट्रैक का मज़ा तभी है जब धूप थोड़ा कम हो, तभी बारिश बहुत हो जाए, चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है वरना बहुत मुश्किल हो जाती है। तभी तो हम आधे रास्ते में नहीं पहुँचे, अभी तो ऊपर जा रहे हैं। यहाँ आपको ट्रीज दिख रहे हैं कोने में, पापा बहुत आगे बढ़ चुके हैं, दिखाती हूँ। दोस्तों देखिए पापा ये मुझे आगे बढ़ चुके हैं, पापा मुझे छोड़ के आगे। दोस्तों बहुत जल्दी हम पहुँच चुके हैं सिडगोरी गाँव। नमस्कार नमस्कार बलरचा, ये और ये है मेरे ताईजी का घर, दिखाती हूँ आपको, ताईजी लोग सब यही हैं।
नमस्कार भलर चा। नमस्कार। घर में बनाते आज से यही आएंगे हमने पिसवाने हम भी आऊँ पिसवाने दूर आ रहा है बैठो बैठो दो मिनट तो बैठो हाय बाना कुटर कुछ हुआ नमस्कार हेलो हेलो हाय बाना कुटर मम्मी को उठावा सर होय बोले रहा हाय बोले बोला हाय अरे मेरे से कुछ नहीं नमस्ते सर माने मंदिर है अच्छा मंदिर है चलो तो चलो चलो बधाई बैठो होय ये काम छू तब फिर अभी बैठू ना चलो बात बड़ा रखिया चलो ठीक है अरे अभी मंदिर है ना बचपन में आते थे याद आ गए मुझे चलो अभी चलो अभी मैं आपको दिखाती हूँ देखिए कितना प्यारा है ये मशरूम ये वाइट मशरूम है तो खाते नहीं है बहुत प्यारा बहुत ही बड़ा है ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल वो होगा छतरी अम्ब्रेला की तरह लग रहा है बिल्कुल वाइट अम्ब्रेला ये वाइल्ड मशरूम जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है छोटा सा एक झरना है वाटरफॉल मेरे पापा बहुत आगे जा चुके हैं मतलब तो मैंने सोचा अब लेट हो ही गई है तो थोड़ा आपको सुंदर सा दृश्य नज़ारा दिखाते हैं साफ सुंदर पानी है मीठा पानी है और आप पी भी सकते हो चाहो तो बहुत मीठा है बहुत मीठा पानी है देखिए वापसी में मेरा पैर फिसल गया था वो आपको सावधान है कि बहुत ज़रूरत है पहाड़ों में बहुत सुंदर झरना पीछे तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं नौवाँच के गांव में पापा मेरे से बहुत आगे पहुंच चुके हैं इसलिए मुझे मिल नहीं रहे हैं बस मैं बड़े जा रही हूँ आगे को देखते हैं कहाँ मिलते हैं दिखाती हूँ आपको एक छोटा सा नाला मड़वा मड़वे की खेत है पूरा मड़वा और बाजरा देखिए कहाँ है ऊपर मारने लगे नमस्कार भलरचा तुम भलरचा पहला भलरचा भलरिंदर अब हम पहुंच चुके हैं ब्रह्मकिया गांव तो मुझे लगा था हम लोग आज पहुंच गए लेकिन मेरे पापा ने बताया जब आप मुझे मिले कि हम रमटिया गांव पहुंच चुके हैं तो अब हम जा रहे हैं यहाँ से नीचे कोई है थोड़ा सा लोबांज गांव तो हमें आज देखिए हमने चार गांव कवर कर लिए हैं दियोनाई सिटगुरी रमटिया और अब लोबांज की तरफ और अभी थोड़ा मुस्कान बढ़ चुके हैं क्योंकि हम अपनी मंजिल के पास से क्लोज हैं मतलब अच्छा फील आ रही है अच्छी वाइब्स आ रही है अब कि हम पहुँचने वाले हैं रेस्ट होगा थोड़ा सा पानी पिया जाएगा कि बहुत प्यास लगी दोबारा से दोस्तों फिर पहुँच की बात होती है तो पापा रास्ता भूल गए हैं पूछ रहे हैं हम यहाँ को जाएँ वहाँ को जाएँ तो आप बताइए हम कहाँ कहाँ जाएँ हम तो ऊपर को जाएँगे हम ऊपर को जाएँगे कहाँ यहीं जाएँगे मुझे पता है यहीं जाएँगे गांव तो दिख रहे हैं गांव तो नीचे ही दिख रहे हैं घास से जाएंगे घास से शॉर्टकट होगा नीचे रोड जाएंगे फिर ऊपर जाएंगे बहुत लंबा हो जाएगा वहाँ देखिए कितना सुंदर सा मंदिर है उसके ऊपर एक पेड़ है सुंदर सा मंदिर और एक सुंदर सा फूल का पेड़ कहाँ पर रास्ता उन्होंने बताया कि हम गलत रास्ते पे जा रहे हैं तो वापस हम यहीं से जाएंगे नीचे को तो हम वापस यहीं से जाएंगे भलरचा नाशपाती का बड़ा सा पेड़ अब एक नाशपाती खाएंगे
में गिरे। तोड़ दो। बड़े तो कुछ भी नहीं उड़ के। ये बड़ा बड़ा पापा आपके लिए एक तोड़ दो। तोड़ गिर गया। गांव वाले गालियां देते हैं मुझे। कौन सा है बड़ा ये एक? दोस्तों देखिए खाना है, अगर आपको नाशपाती तो आ जाइए, बहुत है पेड़ में, बहुत ज्यादा भर भर की। दोस्तों ये है नाशपाती जो कि बहुत स्वादिष्ट डिलीशियस है और जो कि उत्तराखंड में यहाँ पे पहाड़ों में बहुत ज्यादा फेमस है, मतलब हर जगह आपको मिल जाएंगे। और अब आने वाला एक बड़ा सा झरना, सुनी ही आवाज आती होगी आपको, तो अब मैं आपको दिखा दूँ एक बड़ा सा झरना, बहुत बड़ा झरना है, आवाज बहुत बड़ी ज्यादा आ रही है, जोरों से आवाज आ रही है झरने की। देखिए कितना सुंदर झरना है, ये सी दिखाती हूँ आपको, रुकिए, मतलब आराम से नहा सकते हैं आप गर्मी के टाइम। गर्ल्स से देखिए ये यहाँ का झरना बहुत ठंडा पानी है, देखिए ऊपर से आ रहा है, देखिए ऊपर से, और यही छोटे छोटे झरने मिलके बहुत बड़ी नदी बन जाती है। और धूप के धूप कितनी ज्यादा हो रही है, इस मौसम में नहाने का मजा ही कुछ और है। देखिए वापस आने वक्त आपको दिखाती हूँ झरने का पास का व्यू। अभी लेट हो रहा है, पापा निकल चुके हैं और बहुत डांट रहे हैं और तोड़ लिया है। ये बहुत येलो है, मतलब बहुत ज्यादा उससे मीठा लग रहा है, तो इसे टेस्ट करके बताती हूँ। और बहुत ज़्यादा मीठा होगा तो शाम को आने वक्त हम यहीं से तोड़ के ले जाएंगे कुछ नाशपाती। एक और झरना आने वाला, बहुत टेस्टी है, एक और झरना, झरनी झरनी। दोस्तों हमें 5-6 झरने तो दिख ही चुके हैं आज, नीचे देखिए कितना कीचड़ है, पर मज़ा ऐसी का ही है, वो कीचड़ में और ऐसे आप जाओ तो मज़ा, ओह माय गॉड, सही में मन कर रहा है यहीं पे बस के नीचे बैठ के। वाह तो देखिए कितना मज़ा चल रहा है, बहुत ठंडा पानी है। तो देखिए यहाँ जितने भी आपको ये दिख रहे हैं नाशपाति, ये सब पीले हो चुके हैं, येलो हो चुके हैं, तो मतलब ये परफेक्ट हो चुके हैं खाने के लिए, और मीठे भी ये ज्यादा होंगे। पापा पता नहीं कहाँ गुम हो गए पापा। देखिए नाशपाति के पेड़, मैं तो यहाँ हूँ, लग रहा है एक और झरना आएगा, एक और झरना आएगा हमको, और रास्ता इतना स्लिप कर रहा है, मतलब आराम से जाना पड़ रहा है। दो बार में फिसल चुकी हूँ, एक और झरना आने वाला है, ये झरना तो नहीं है पर गधेरा, छोटा सा गधेरा है, बहुत गहरा पानी है इसके अंदर, देखिए सब मछलियाँ होंगी बहुत ज़्यादा। तो अगर आपको गधेरे झरने देखने हैं तो आप इस गांव में ज़रूर आइए। ये है लवबाज कोलाग, लवबाज और रेमटिया के गाँव। पापा को देखिए मेरे वहाँ पे गुस्से में लाल और के, झरना आने वाला है, झरना तो नहीं है ये, थोड़ा सा वाह क्या मस्त छोटा सा केनाल टाइप का है, देखिए कितना सुंदर है। यही है, मुझे लग रहा है यही है हमारा लवबाज का गांव, आखिरी हम पहुंचने वाले हैं। पापा पता नहीं कहां गायब हो गए। यहाँ इधर रास्ता, अच्छा मिला मलखा साहब, दोबारा रास्ता भूल गए। वो ऊपर से रास्ता,
बस दोस्तों सब कुछ ठीक है, बस आप ना देखिए रास्ते में, और तो यहाँ पे सब सही है। देखिए वहाँ एक छोटा सा मंदिर है, पापा पता नहीं कहाँ चले गए। पापा दोस्तों एक और बड़ा सा झरना आने वाला है, और देखिए कितने सारे लिंगूड़ के सब्जियां हो रही है। मुझे लगता है वाइल्ड लिंगूड़ की सब्जियां बहुत सारी हो रही है। देखिए बस गर्मी से बची हुई, बहुत खतरनाक रास्ता है यहाँ का दोस्तों, बता रही हूँ। जूते अच्छे मुझे लेने पड़ेंगे। देखिए एक और झरना पानी आ रहा है वहां से। दोस्तों यह है यहाँ का एक नौला, अंदर देखिए आप देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, सुंदर सा नौला। हाँ पसीने से तर बतर, बस सब पहुंच ही गए हम। घर का स्टार्ट हो चुका है, ये जो रास्ता होता है ना गांव का, वो स्टार्ट हो चुका है। नीचे बड़ा सा गदेर है और हम आने आ गए हैं। बस लवाज गांव में आपको दिखाती हूँ कैसा है लवाज गांव। बहुत थकान, बहुत प्यास, देखो दो वो पोखली साथ। बाय बाबू बाय। दोस्तों सामने रोड में आपको जो गाड़ी दिख रही है वो लवाज कौसानी से होते हुए अपनी मंजिल को आगे बढ़ रही है। तो ऐसे ही अब मिलती हूँ आपसे पार्ट टू में, जहाँ पे हम जाएंगे रमतिया गांव में, और वहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी पानी से भरे हुए लबालब पहाड़ी नौले। दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर। दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।